इस कूलर के अंदर जो मोटर लगा हुआ है उसका स्पीड बहुत ही कम हो गया है, और आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि उसका स्पीड कैसे बढ़ाते हैं। तो गाइस उससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मैं जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत जाए। तो गाइस मैं दिखा देता हूँ कि इसका स्पीड कैसा अभी है और मैं अभी उसको स्पीड बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए अभी स्पीड इसका कैसा है, देखिए मोटर जो फैन को घुमा रहा है बहुत हल्के से घुमा रहा है, उसका स्पीड नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ कि इसका स्पीड कैसे बढ़ाना है। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो मोटर है इस मोटर का स्पीड कम होने का वजह क्या है। इसका वजह है ये जो है देख रही हो एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की वजह से ये जो मोटर है बहुत स्लो घूम रहा है। तो गाइस इसके लिए मैं एक कैपेसिटर लेकर आया हूँ, नया कैपेसिटर, उसको मैं यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ और देखूंगा कि तब इसके बाद इसको लगाने के बाद ये जो मोटर है इसका स्पीड कैसा रहता है। तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं अपने घर में कि जो देखिए सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो, स्टैंड फैन हो, जो भी फैन हो, स्पीड कम होने की वजह से वो लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको स्पीड कैसे बढ़ाए, क्या करे। वो घबराने की जरूरत नहीं है, एक कैपेसिटर लेके आइए और इसके अंदर कैपेसिटर लगाइए, नया कैपेसिटर, वो स्पीड बढ़ जाएगा अपने आप ही। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या कैपेसिटर इसको मैं खोल के खरीद दूंगा और जो नया कैपेसिटर मैं लेके आया हूँ उसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा। आप लोगों ने कि कैसे मैंने जो कैपेसिटर है उसको मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं इसको चला के दिखाऊंगा, उससे पहले मैं जो है अब फिटिंग कर देता हूँ सब कुछ, और फिटिंग करने के बाद मैं दिखाऊंगा कि कैपेसिटर चेंज करने के बाद स्पीड कैसे देता है। अब जो है इस फैन को मैं ऑन करने जा रहा हूँ और देखना आप लोग कि इसका स्पीड कैसा है। देखिए शायद आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि इसका स्पीड कैसा है, लेकिन मुझे देखिए इसका स्पीड जो है आप खुद देख सकते हो कि इसकी कितने जो तेजी से फैन घूम रहा है, और इसका शायद आवाज आप लोग सुन पा रहे हो, सुनिए इसका आवाज कितना तेजी से घूम रहा है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के घर कोई जो फैन है वो फैन का भी स्पीड कम हो जाए तो इसी तरह का एक कैपेसिटर लेके उसको चेंज कर देना। और ये देखिए जो कूलर देख रहे हो ये मैंने एक साल पहले बनाया था, उसका मैं लिंक दे दूंगा, देख लेना। और गाइस ये जो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।